सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और एक और नए दिन के साथ आज हम लेके पहुंचे हैं आपको दोबारा से प्रगति मैदान। एंड आज यहां पे लगा है वर्ल्ड इंडिया फूड एग्जीबिशन 2023, जो कि फूड इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा एग्जीबिशन है। एंड आज आपको मैं लेके पहुंचा हूं ऐसी कंपनी के पास जो कि है वो पुणे बेस्ड, और महाराष्ट्र का पुणे बेस्ड है ये कंपनी, और काफी सारे सोल्यूशन आपके लिए फूड इंडस्ट्रीज में मशीनरीज मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो देख लेते हैं किस तरीके से इनका प्रोडक्ट रहेगा, क्या क्वालिटी रहेगी और किस तरीके से आप लोग इनसे बिजनेस में जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं डायरेक्ट कंपनी में और देख लेते हैं किस तरीके से सारे फीचर्स रहने वाले हैं। सो हाय सर। हेलो। हाय। सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर कंपनी आवर ऑडियंस प्लीज। ओके। सो माय सेल्फ चेतन डाकोरे, मेरा नाम चेतन डाकोरे है, मैं इस कंपनी का MD हूं। ओके। और ये कंपनी 2017 में हमने चालू की थी विद कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हमने पहले बनाना शुरू किया था। आइए आपको बताते हैं प्रोडक्ट के बारे में क्या है। सर कह सकते हैं कि प्रोडक्ट के साथ साथ आप लोग पूरा पैन इंडिया कैटर करते हैं अपना बिजनेस। जी, हम अभी फिलहाल तो इंडिया में काफी अच्छा हमारा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। ओके। हल्दीराम, पेप्सिको जैसी कुछ कंपनीज हैं जो हमारे से प्रोडक्ट बाय करते हैं। उनके प्रोसेस में आपके आज के डे टू डे एक्टिविटीज में आप जितने भी स्नैक्स प्रोसेस हुए खाते हैं पैकेट्स में आते हैं, तो वो हमारे कुछ 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 प्लांट्स में हमारे इक्विपमेंट में थ्रू प्रोसेस होकर आते हैं, और एक गर्व की बात है हमारे लिए। सो गाइस चलिए आगे चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और जो मशीनरीज यहाँ पे दी गई हैं वो आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप लोग उनसे कनेक्ट कर सकते हैं और क्या फीचर्स रहेगा और मशीन किस तरीके से वर्क करती है। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो इसको सपोर्ट करके जरूर जाएं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव और न्यू बिजनेस आइडिया वीडियोस आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट है, ये हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि वाइब्रेटर फीडर्स में हम डील करते हैं। वाइब्रेटर फीडर्स यानी कि ये वाइब्रेटिंग टेक्नोलॉजी पे कन्वेइंग करने का काम करते हैं प्रोडक्ट को। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका काम आप अलग अलग चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे कि आपको किसी की छलनी करना है या फिर आपको कोई, ये पाइप कन्वेयर है जिसमें जैसे कि आपके उसकी पाउडर है या आपको कोई प्रोडक्ट है बिना किसी कंटामिनेशन को उसको कन्वे कराना है, तो आप देख सकते हैं कि वो पूरा एकदम एनक्लोज है और ईजी टू क्लीन है। ये स्पायरल एलिवेटर है जिससे क्या होता है कि आज के डेट में आप देखेंगे जैसे फूड सेफ्टी के नॉर्म्स बढ़ गए, तो उसके मद्देनजर देखा जाए तो ये पूरा प्रोडक्ट SS में बनता है, जिससे कि इसमें कोई प्रोडक्ट हाइजीन नहीं होता है, आप चेंज ओवर कर सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी ग्रोथ नहीं है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है सर, ये जो पूरा सेटअप है? तो ये सेटअप है, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हमारे जो प्रोडक्ट रेंज है हमने उनको एक साथ एक रीसर्कुलर सिस्टम बोल के रखा है। तो ये स्पायरल हो गया जो एलिवेट करने के लिए प्रोडक्ट को ऊपर उठाने के लिए काम आता है। ये क्यूबुलर कन्वेयर जैसे मैंने कहा कि कंटामिनेशन फ्री प्रोडक्ट को आपको कन्वे करना है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाइब्रेटिंग फीडर्स है। तो इसमें हम इसके अलावा और क्या क्या चीजें हम इससे कन्वेयर पे जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रोडक्ट के अलावा जो भी प्रोडक्ट आप करना चाहते हैं, जैसे कि नमकीन हो गया, चिप्स हो गए या फ्राइम्स हो गया, या आप किस तरीके का कोई भी परेशान हो गया या फिर गेहूं हो गए, चावल हो गए, ये सब आप उसमें कन्वे कर सकते हैं और साफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं कि क्वालिटी सर की मशीन ये किस तरीके से डिलीवर करती है? क्वालिटी आप देखिए, जैसे आप देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरह की क्वालिटीज है, या जर्मन क्वालिटीज है, यूरोपियन क्वालिटीज है, आप फिनिशिंग देख के समझ सकते हैं कि किस तरह की क्वालिटी दी जा रही है। अच्छा, ये मशीन जो है ये एक बार अगर आपने इसको इंस्टॉल कर दिया तो आपको 5-5, 10-10 साल इसे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आप अगर कोई पैसा लगा रहा है कोई, तो उसे ये होता है कि उसका पैसा कब उसे बने, तो ये मशीन आपको प्रोडक्शन बना के देगी, कोई मेंटेनेंस नहीं आएगा, जिसके कारण आपका जो पैसा आपने लगाया या जो आपने लागत लगाई है वो आपको तुरंत वापस। ठीक है, कैपेसिटी है आप इसे आधे 500 kg से लेके या 25 टन तक की कैपेसिटी के हमारे पास रेंजेस हैं, और जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से भी हम इसे कस्टमाइज डिजाइन कर सकते हैं। इसका जो एंड टू एंड प्रोसेस है वो आपने मेरे को भी दिखा दिया। जी। ठीक है, तो इसकी पैकेजिंग के रिलेटेड, ये पैकिंग के लिए बिल्कुल नीचे जाकर बिल्कुल ये जब भी आप पैकिंग कर रहे हैं तो पैकिंग से पहले की ये प्रोसेस है सारी, बाद में आप इसके साथ इसके पैकेजिंग मशीन के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे आपने मुझसे पूछा कि आप क्या क्या चला सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हम हल्दी चला सकते हैं इसमें, पोहा चला सकते हैं, पूरी मिर्ची चला सकते हैं, होल मिर्ची कहते हैं जैसे, फिर आप मिर्ची पाउडर है, नमक है, शुगर हो सकता है, काबुली चना है, ये आप दे सकते हैं जो जो आप यहाँ पे फोटोज देख रहे हैं या फिर जो सैंपल्स हैं, कैंडीज हैं, और हार्डवेयर के इसमें भी हम इसको कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल यूजेस में आ सकती है। जी बिल्कुल, ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप देखेंगे तो आप जैसे बेल्ट कन्वेयर यूज करते हैं तो उसमें कैसा होता है कि प्रोडक्ट को बेल्ट कन्वेयर कैरी करता है, यहाँ पे ऐसा है कि हम प्रोडक्ट के हिसाब से हमारा मशीन का डिजाइन करते हैं। जैसे कस्टमर का प्रोडक्ट होगा उसी तरह से मशीन डिजाइन। तो इस मशीन के बारे में बात करें तो उसकी गारंटी वारंटी वगैरह भी कुछ प्रोवाइड करते हैं आप? बिल्कुल, एक स्टैंडर्ड 1 साल की वारंटी होती है, मगर जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है कि आपको कोई लुब्रिकेशन करना है या बेयरिंग रिप्लेसमेंट करना है या फिर आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, ये सब इसमें नहीं होने के कारण आप अगर आप इसे सही तरीके से चला रहे हैं
आज अच्छे से कर रहे हैं, तो ये आप 10-10 साल तक भी इस मशीन को कुछ नहीं होगा। कोई नया स्टार्टअप बिजनेस कर रहा है तो बेसिकली वो जब अपनी मैन पावर बचाना चाहता है, जहाँ पे उसे एक मैन पावर से कन्वे करना पड़ता है, हाइजीन की बहुत बात आती है, क्योंकि अब आप जब फूड बना रहे हैं, फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कोई कंज्यूम कर रहा है। अगर आप हाइजीन उसे नहीं कन्वे करते हैं तो आप मतलब खुद से उसमें देखा जाए तो आप खुद से उससे आप धोखा कर रहे हैं कि आप इस कभी कभी वो प्रोडक्ट में कोई हाइजीन तरीके से यूज नहीं होता है, तो दैट्स वाज रीजन आप देखा जाए तो ये कन्वेयर उस जगह पे काम करता है। अब जैसे कि आपने बड़े इक्विपमेंट देखे तो ये छोटे छोटे इक्विपमेंट है, ये वाला सबसे छोटा वाइब्रेटर है जो जिसपे आप इस ये यूनिट हम देते हैं, फिर पैन के साथ देते हैं, जो पैन में कैसा होता है कि इसको माउंट करते हैं और ये एक मूवमेंट्स देता है जिसकी वजह से आप उसकी कैपेसिटीज को आप अचीव कर सकते हैं। अगर हमारे पास अलग अलग रेंज की कैपेसिटी वाइज, जैसे मैंने आपको बताया 500 केजी से लेके 25 टन तक के लिए वाइब्रेटर है, तो ये स्टैंडर्ड मॉडल उसमें अवेलेबल है। मतलब अगर किसी को छोटे छोटे लेवल पे अगर बिजनेस करने के लिए दिख रहा है तो वो कर सकता है, तो वो छोटे से भी छोटा धंधा उसे यूज कर सकता है, चला सकता। तो सर ये कंप्लीट आपकी इनहाउस मैन्युफैक्चरिंग है क्या? जी बिल्कुल, ये इनहाउस मैन्युफैक्चरिंग है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताना रह गया कि ये जो है बहुत यूजर फ्रेंडली है। जैसे आप मशीन बोलते हैं तो बहुत लोग ये डर जाते हैं कि यार इसे ऑपरेट कैसे करेंगे, इसे चलाएंगे कैसे, तो ये बस प्लग एंड प्ले। अगर आप देखेंगे तो कुछ बटन्स है, कुछ कंट्रोल यूनिट में आपको दिखा दूँ, आपने बटन दबा दिए चालू हो गया, आपने फैन के रेगुलेटर जैसे अपने उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं, तो ये इजी टू ऑपरेट। मतलब कोई भी नया बंदा जब चालू करता है, उसे मशीन चालू करनी है या फिर चलानी है, सबसे ज़्यादा पहला जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि इसे ऑपरेट कैसे करें। ये बहुत ही सिंपल है, हम इसकी इनकी काफ़ी जानकारी देते हैं उन्हें और उस तरीके से उनका पूरा सेटअप भी कराते हैं। ये बैकग्राउंड में कुछ जो चीज़ें दिख रही है मशीन है, ये भी चीज़ें आपकी हम प्रोडक्ट है क्या? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि हम कस्टमाइजेशन भी करते हैं प्रोडक्ट की, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसे कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि जैसे कि आप आज छोटा व्यापार शुरू कर रहे हैं, कल को आप बड़ा हो रहे हैं, बड़े होते हुए आपके पास मल्टीपल पैकेजिंग मशीन आती है, तो ये सारी आप समझ लीजिए ये पैकेजिंग मशीन है और आपका जो प्रोसेस मटेरियल आ रहा है एक तरफ से आ रहा है और हम उसे एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब इक्वली तरीके से उसको डिवाइड करके पैकेजिंग मशीन में तक पहुंचा रहे हैं और वो पैक हो रहा है। ये पूरे प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं और ये हम एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट बनाते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं तो ये डी वाटरिंग, डी वाटरिंग यानी जैसे आपने, मैं एग्जांपल के आप बोल रहा हूँ कि आपने वेजिटेबल प्रोसेस का आपने यूनिट डाला है या चिप्स का डाला है, तो आप उसे जो वेजिटेबल को धोते हैं पानी से, तो जो एक्सेसिव वाटर यानी जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकालने के लिए ये मशीन का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात आप देखेंगे तो ये बिस्किट फीडिंग सिस्टम है, जैसे कि आपने कोई पैकेजिंग मशीन ली है तो उस पैकेजिंग मशीन तक पहुंचाना है बिस्किट को एक अच्छे खासे लेन में, तो ये बिस्किट लेनिंग सिस्टम है। तो ये सारी मशीन आपकी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर हम बात करते हैं आगे, अगर इस मशीनरी के रिगार्डिंग कोई आपको कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है, बी टू बी मार्केट में, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा आपको कनेक्ट करने के लिए? ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट? जी बिल्कुल, हमारा आप कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.linearfeeder.com या आप हमारे नाम से भी सर्च कर सकते हैं shrivibhashan.com से, और हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आप इस चैनल पे आप दिखा सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो कोई आपका फैक्ट्री प्लांट विजिट करना चाहे तो वो कर सकता है क्या? बिल्कुल, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, हमारी 24 घंटे हमारी फैक्ट्री चालू है और 7 दिन चालू रहती है। एज पर द रिक्वायरमेंट हम कस्टमर को जैसे चाहे मशीन बना के दे सकते हैं और उनकी सहूलत के हिसाब से उन्हें फैक्ट्री विजिट भी करते हैं। भी हमारे पास हमारे खुद के लैब्स भी है, उस लैब इक्विपमेंट में प्रोडक्ट अपना कस्टमर लेके आ सकता है, ट्रायल ले सकता है, जब वो खुद सहमत हो जाए तो वो मशीन भी खरीद सकता है। ग्रेट सर, सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।